हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर है एयरटेल के तो आपको एयरटेल दे रहा है पर्सनल लोन। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, एयरटेल से आप घर बैठे ले सकते हैं पर्सनल लोन पूरे 5 लाख रुपए तक का, प्लस आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं लोन तो वीडियो की बिल्कुल मत करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एयरटेल से घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले गाइस देखते हैं कैसे लेते हैं एयरटेल से लोन घर बैठे, चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे पर्सनल लोन, एयरटेल आपको दे सकता है पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पर मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का लोन। या तो आपके पास एयरटेल का सिम होना चाहिए या फिर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक में, या फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर ये लोन लेने के लिए। गाइज अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड करनी होगी एयरटेल एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली जाएंगे प्ले स्टोर में, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स रिचार्ज बिल पे यूपीआई एंड बैंक्स। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा अपने एयरटेल के नंबर से। जैसे ही आप यहां पर अपने एयरटेल के नंबर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप पहले से कस्टमर है एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो भी आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लोन लेने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, देखिए गाइस वैसे तो आप यहां पर लोन तो ले सकते हैं, इसके अलावा आप यहां पर क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर सिटी बैंक का एक यहां पर अभी आपको एक एड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हर रोज बदलते जाते हैं, यहां पर कभी सिटी बैंक आ जाता है, कभी यहां पर SBI बैंक आ जाता है। अगर आप यहां पर क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर पर्सनल लोन की, जो मिलेगा केवल एयरटेल के कस्टमर को। तो आपको यहां पर क्या करना है गाइस, बैंकिंग में जाना है, या फिर अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आपको यहां पर एयरटेल का मनी वॉलेट मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको जाना है। जाने के बाद जैसे ही आप जाएंगे बैंकिंग या फिर एयरटेल मनी के अंदर, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, मोर में क्लिक करना है। जैसे आप मोर में क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको फाइनेंशियल सर्विस में जाना है, यहां पर आपको दिखाई देगा गेट लोन का एक टैब। जी हाँ गाइस, गेट लोन का एक टैब आपको दिखा देगा, सिंपली आपने गेट लोन पर क्लिक करना होगा ये लोन लेने के लिए। और जैसे आप गेट लोन पर क्लिक करेंगे जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और पूरी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगी कितने का लोन है, कौन सा लोन मिलेगा, कितने महीने के लिए लोन मिलेगा। मुझे यहां पर डिटेल नहीं दिखाई दे रही है मेरे पेज में, क्योंकि मैंने यहां से अप्लाई किया था तो इसलिए यहां पर थोड़ी बहुत ही डिटेल दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर लिखा रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो पार्टनर है, जो NBFC है, वो आपको यहां पर लोन देंगे, एयरटेल आपको लोन नहीं देगा। जी हां गाइस, आपको यहां पर लोन देंगे इनके पार्टनर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपको क्या करना है लोन लेने के लिए, सिंपली पर्सनल लोन पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस यहां पर ये बोले कि भाई अब हम आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनर NBFC के पास, ठीक है, तो अब आपको वहां पर जाकर लोन अप्लाई करना होगा। तो चलिए हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस हम चले जाएंगे डायरेक्टली स्टेसफिन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एयरटेल का जो पार्टनर है वो है स्टेसफिन, ऊपर आप देख सकते हैं लिख रखा है एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर विद स्टेसफिन फॉर पर्सनल लोन क्रेडिट लाइन क्रेडिट कार्ड, यानी एयरटेल बैंक ने टाई अप किया है स्टेसफिन के साथ में। अगर आप एक एयरटेल के कस्टमर है तो आपको जल्दी लोन मिलेगा स्टेसफिन से, एयरटेल के कस्टमर नहीं है तो आप डायरेक्टली भी स्टेसफिन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली स्टेसफिन एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर क्या करना होगा, ये बोले कि भाई आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, वैसे ऑटोमेटिकली यहां पर मोबाइल नंबर आ जाएगा वो जो आपका एयरटेल एप्लीकेशन के साथ लिंक है। गेट OTP पर आपने क्लिक करना होगा, जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा OTP डालनी है पहले, तो आपको OTP डालने के बाद आपने लॉगिन करना होगा। OTP मेरे पास आ चुकी है और हम यहां पर OTP डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद गाइस जो पेज हमारे सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर बोले भी थैंक यू, आपने लॉगिन कर लिया, एयरटेल का काम पूरा हो चुका है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। सिंपली अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है,
स्टेसफिन। वैसे आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आप स्टेसफिन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और उस मोबाइल नंबर से आपने इसके अंदर लॉगिन करना है जिससे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे आप उस मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, देखिए मैं इसको ओके स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको उसको अलाउ करना होगा, जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोलो आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू टू इंग्लिश या फिर हिंदी में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और नीचे साइन अप विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा और वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा जिससे आपने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। तो मैं यहाँ पर अभी अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर बोले भाई आपका पहले से रजिस्ट्रेशन, तो आपने लॉगिन कर लेना है, लॉगिन पेज पर आपने जाना है। ठीक है, लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइस पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन नहीं होगा। सबसे पहले आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। क्योंकि मैं पहले से कस्टमर हूँ स्टेसफिन का, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 9000 रुपए का लोन के लिए ऑफर कर रहे हैं। बोले भाई आप 9000 रुपए का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी। और आप जब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको इंस्टेंटली लोन के लिए ऑफर मिलेगा। मुझे यहाँ पर 9000 रुपए का लोन ऑफर कर रही है और मैं अभी यहाँ पर लेवल नंबर 8 पे हूँ। यहाँ पर कुछ लेवल है जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। जब आप 15-16 नंबर पर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस 9000 रुपए के लोन के लिए, ये 9000 रुपए का लोन अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं, तो गाइज यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप स्टेसफिन से लोन अप्लाई करते हैं एयरटेल से आने के बाद में, तो आपको यहां पर एक बड़े ज्यादा दिनों के लिए लोन मिलता है। मुझे यहां पर 3 महीने के लिए लोन मिल रहा है। इनमें से मैं आपको सिंपली ईएमआई चूज करनी है। ईएमआई चूज करने के बाद पूरी डिटेल आ जाएगी लोन की। ठीक है, कितना लोन मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है। सिंपली मुझे गेट लोन पर क्लिक करना होगा, ई साइन एग्रीमेंट करना होगा, लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले लेना होगा। बस आपको ये करना है लोन लेने के लिए। अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दी से आप एयरटेल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं। क्योंकि अगर आप एयरटेल के कस्टमर होंगे तो आपको यहां पर जल्दी लोन मिलेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली भी स्टेसफिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। तो गाइज ये लोन मैं लेना नहीं चाहता, मुझे लोन नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि भैया अगर आप एयरटेल के कस्टमर, तो आप एयरटेल में जाने के बाद में इनकी जो पार्टनर कंपनी है स्टेसफिन, उसमें जाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।